अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज बच्चों का अभी अभी नम्स का टेस्ट हुआ है और देर इज़ नो डाउट के नम्स का जो टेस्ट हुआ है ये मुश्किल टेस्ट था। अगर देखा जाए तो 70% टेस्ट ऐसा था जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसान था, लेकिन 30% जो नम्स का टेस्ट था, ख़ास तौर पे फिजिक्स का पोर्शन और केमिस्ट्री का पोर्शन, ये कॉन्सेप्चुअल पेपर था और ये 30% एक मुश्किल पेपर भी इसको हम कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो नम्स का टेस्ट इस साल पहले से इसमें थोड़ा मुश्किल आया है और हर स्टूडेंट के लिए मुश्किल आया, किसी एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल नहीं आया। इस टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, इस टेस्ट की की आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी और स्टूडेंट्स का इस बारे में क्या राय है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी बात है कि नम्स का टेस्ट का रिज़ल्ट तकरीबन एक हफ्ते बाद आएगा, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि नम्स के इस टेस्ट की आपको बबल्स की नहीं मिलेगी, आपका डायरेक्ट इस नम्स का रिज़ल्ट आएगा और स्टूडेंट्स अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। की इसकी होनी चाहिए थी लेकिन अफसोस की बात है कि की नहीं है। खैर पीएमसी की बनिस्बत तो अच्छे ही है ना कि आपका कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट नहीं हो रहा, तो कुछ स्टूडेंट्स परेशान हैं उनका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, कुछ स्टूडेंट्स बड़े खुश हैं उनका टेस्ट अच्छा हो गया, कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज, ज़्यादातर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हैं कि उनका भी क्या बनेगा आने वाले वक्त में। तो स्टूडेंट्स परेशानी की कोई बात नहीं है। रिज़ल्ट आने से पहले अपने पेरेंट्स को परेशान मत करें, ठीक है, कि मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, बस कहें बस अल्लाह का शुक्र है मेरा टेस्ट अच्छा हो गया। क्योंकि आप तो परेशान हैं ही हैं, अगर अच्छा नहीं हुआ तो पेरेंट्स को परेशान मत करें, अल्लाह ताला से दुआएं करें। और पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, दुआओं से आपका रिज़ल्ट पे काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा, दुआएं ज़रूर करें अल्लाह ताला से, ठीक है। और आई होप कि आपके अच्छे से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँ। इसके अलावा कुछ परेशानियों का सामना अगर आपको करना पड़ा तो वो भी मुझे बताएँ। आई होप कि नम्स का टेस्ट में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी क्योंकि इनका सिस्टम बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी है मुझे बताएं, कोई टाइम का मैनेजमेंट किस तरह हुआ, आप अपना टेस्ट के बारे में भी मुझे बताएं किस तरह हुआ, कोई सवाल है वो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, परेशानी से आपके मसले हल नहीं होने, दुआओं से माँ बाप की खिदमत से आपके मसले हल होंगे। तो यही थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नम्स के टेस्ट के हवाले से मैंने बात करनी थी। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अच्छे अच्छे नंबर दें और कीप सपोर्टिंग टू योर पेरेंट्स, ठीक है, हमेशा अपने पेरेंट्स से मोहब्बत किया रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़। और टेस्ट के बारे में ज़रूर बताइएगा, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।